Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। हाल ही में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इसमें टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 3400 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और हर पोस्ट की जो सैलरी है वो यहाँ पर क्या रखी गई है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी का स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रिंसिपल की पोस्ट की जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 50 साल है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की अपर एज लिमिट 45 साल है, पीजीटी के लिए यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है और टीजीटी के लिए आपकी अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट के जो कैटेगरी वाइज रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट की, तो आपके पास मास्टर की डिग्री और बीएड होना चाहिए। अगर आप मास्टर की डिग्री रखते हैं और आप बीएड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपने होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल टीजीटी या पीजीटी में पढ़ाने का। ये हो गई प्रिंसिपल की बात। फिर हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की, तो आपके पास मास्टर की डिग्री और बीएड होने चाहिए, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी या लेक्चर की पोस्ट पर पे लेवल 8 में पढ़ाने का और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फुली रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, जो कि डिजायरेबल में, ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल में आएगा। अगली पोस्ट है पीजीटी की, तो पीजीटी में आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से 50% नंबरों के साथ, या फिर आपके पास मास्टर की डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड होने चाहिए आप, या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। तो देखिए सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो 50% नंबर आपके मांगे गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में वो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें जो सब्जेक्ट है इनमें आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात होगी पीजीटी की। फिर हम बात करते हैं टीजीटी की, तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया हो 50% नंबरों के साथ, या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री हो 50% नंबरों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन में, और वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बैचलर की डिग्री जो होनी चाहिए वो आपकी या तो टीजीटी हिंदी में हो, हिंदी रहा हो एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके 3 साल में, या टीजीटी इंग्लिश में हो जहाँ पर इंग्लिश आपके पास रहा हो 3 साल में एक सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर टीजीटी आपकी सोशल स्टडीज में हो जिसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में वो इनमें से कोई 2 रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इनमें से कोई 2 आपके रहे हो मस्ट बी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका टीजीटी मैथ हो गया और टीजीटी साइंस हो गया, और फिर आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और आपने एसटेट या फिर सीटेट पास किया हो और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी की जो पोस्ट है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, केवल आपका सिलेबस अलग होगा बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। आपका पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा 160 नंबरों का जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और फिर आपका होगा इंटरव्यू 40 नंबर का। और टीजीटी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा यहाँ पर अलग है, इसमें आपका 180 नंबर का सिर्फ एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू या पर्सनलिटी टेस्ट इसमें नहीं होगा। सैलरी की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल की जो सैलरी है पे लेवल 12 में आएगी यानी 78,800 आपकी बेसिक रहेगी, वाइस प्रिंसिपल की सैलरी पे लेवल 10 में आएगी यानी 56,100 बेसिक पे रहेगी, पीजीटी की सैलरी पे लेवल 8 में आएगी यानी 47,600 बेसिक पे रहेगी, और टीजीटी की सैलरी पे लेवल 7 में आएगी यानी 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। तो ये आपकी सारी जो है ये बेसिक पे है, शुरुआती पे है, इसमें आपको अलाउंसेस जो है वो अलग से दिए जाएंगे। तो ये था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हर पोस्ट के लिए जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर अलग अलग रखा गया है,
जो आपके लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी की पोस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम जो है और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, और टीजीटी में आपका सिलेक्शन सिर्फ एक रिटन एग्जाम के बेसिस पर होने वाला है। और सैलरी मैंने आपको सभी पोस्टों के लिए बताई दी है कि क्या सैलरी रहने वाली है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए है। तो देखिए समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके वीडियोस भी मिलते हैं आपको, और आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम्स। तो ये था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी स्ट्रक्चर। टोटल 3,400 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी और प्रिंसिपल की वैकेंसीज निकली हुई है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।